इवैल्यूएट करना चाहिए। मैं आपके सामने प्रपोजल सिर्फ यही रख रहा हूँ कि एक ऐसी सोसाइटी हमें फैशन करनी चाहिए, और इस वजह से क्योंकि क्रिएटर ने कहा है। ये सारी चीज़ की बुनियाद सिर्फ बिलीफ है, ये सारी चीज़ की बुनियाद ईमान है, और इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल है। और बल्कि हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आपने जो कहा था, मुझे अभी बात रिकॉल कर रहा हूँ कि वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, 50% लेबर फोर्स, तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर औरतों के सामने किस तरह के जॉब्स अवेलेबल होते हैं, और उनके सामने हम यही बात कह रहे हैं कि उन्हें अपने इस फील्ड को, अपने सेग्रीगेशन को, अपने फील्ड को बरकरार रखते हुए कैसे कर सकते हैं, वो होना चाहिए। लेकिन इस बारे में एक स्ट्रक्चरल और भी बात है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। नहीं, मैं चाहूंगा कि अभी इस मौके पर ही आप इस बात को बताएं ताकि मैं आपसे अगले सवाल आगे कर सकूं। देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्दों पर ही होनी चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट तो वो नहीं होते, मेंसेस तो उन्हें नहीं आते, दे आर फिजिकली, दे आर मेंटली मोर केपेबल, वो ज्यादा केपेबल है। जैसे हमें स्टडी से पता चलता है, प्लानिंग स्किल्स उनके पास ज्यादा होते हैं, और स्पेशियल एबिलिटीज, ये कई एबिलिटीज है जो उनके पास ज्यादा होते हैं, इमोशंस का वो ज्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, दे आर मोर सुटेबल। उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% शोल्डर करने दे दी जानी चाहिए, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कमा कर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर, बल्कि वाइफ को उसके घर की जो एरिया है वो उसका प्राइम फोकस हो। उसके अलावा अगर कोई औरत करना चाहती है विद द परमिशन ऑफ हर हस्बैंड, अगर वो करती हैं तो विद इन दोज परमिसेबल लिमिट्स, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ टीचर्स की ज़रूरत है, जहाँ पे औरतों को, औरतों की लेडीज डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है, तो वो एरियाज को वो कवर करें।